जय जवान जय किसान, राम राम, नमस्कार किसान मित्रों। किसान ग्रुप में महेंद्र भाटी फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। किसान मित्रों फिर से हाजिर है, कोने में जानेंगे आज देश भर की प्रसिद्ध अनाज मंडियों में आज जो है गवार के भाव व सरसों के ताज़ा भाव किस तरह रहे। आज जो है गवार व सरसों की सबसे ऊंची बोली क्या व किस मंडी में लगी है, गवार व सरसों के ताज़ा भाव में क्या तेजी मंदी देखी गई, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। साथ ही वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ऐसे ही वीडियो रोज पाने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको हर रोज मिलती रहेगी। साथ ही आप जिस भी अनाज मंडी के भाव जानना चाहते हैं उस मंडी का नाम भी नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं ताकि आने वाली वीडियो में आपकी मंडी के भी किसान मित्रों भाव बताए जाएंगे। बहुत सारे किसान भाइयों ने कमेंट करके फेसबुक पेज पर व यूट्यूब पर अपनी मंडियों के भाव पूछे हैं। भाई किसान मित्र प्रवीण जी प्रजापति ने हरियाणा मंडी के भाव की जानकारी पूछी। भाई हेमराज चौधरी युवा नेता ने मालपुरा मंडी के भाव की जानकारी पूछी है। जवानाराम जी मेघवाल ने बनास कृषि मंडी नैनावा के भाव की जानकारी पूछी है। भाई प्रवीण जी प्रजापत ने हरियाणा के भाव की जानकारी पूछी है। और हमारे YouTube चैनल पर किसान मित्र घनश्याम जी छारण ने बीकानेर मंडी के भाव की जानकारी पूछी है। भाई इरफान खान भाई साहब ने अलवर मंडी के भाव की जानकारी पूछी है। रविंद्र जी छारण ने बज्जू मंडी के भाव की जानकारी पूछी है। भाई खोजाराम जी माली ने जोधपुर मंडी में अरंडी के भाव की जानकारी पूछी है। कमलेश जी चौहान ने सुजानगढ़ मंडी के भाव की जानकारी पूछी है। भाई अशोक जी जहांगीर ने सीकर की शेखावटी मंडी के भाव की जानकारी पूछी है। गुरुमुख सिंह जी ने अबोहर मंडी पंजाब के भाव की जानकारी पूछी है। भाई वही हीर सिंह जी सिसोदिया ने जोधपुर मंडी में जीरे के भाव की जानकारी पूछी है। तो इन सभी किसान भाइयों का कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। और अब जिस भी अनाज मंडी के भाव जानना चाहते हैं उस मंडी का नाम भी नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं ताकि आने वाली वीडियो में आपकी मंडी के किसान मित्र भाव बताए जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, आप किसी भी मंडियों के भाव एक एक करके इस वीडियो में बताए जाते हैं। तो आइए किसान मित्रों जान लेते हैं आपकी पसंद की अनाज मंडियों में आज जो है लोकल गवार व सरसों के ताजा भाव किस तरह रहे हैं। खाजूवाला मंडी में ग्वार बिका 5,900 रुपये प्रति क्विंटल। वही खाजूवाला मंडी में सरसों बिके 7,000 रुपये प्रति क्विंटल। बांदीकुई की मंडी में ग्वार बिका 5,900 रुपये प्रति क्विंटल। बांदीकुई की मंडी में सरसों बिकी 6,800 रुपये प्रति क्विंटल। बिलाड़ा की मंडी में ग्वार बिका 5,700 रुपये प्रति क्विंटल। वही बिलाड़ा की मंडी में सरसों बिकी 6,700 रुपये प्रति क्विंटल। कुचामन की मंडी में ग्वार बिका 6,100 रुपये प्रति क्विंटल। वही कुचामन की मंडी में सरसों बिकी 6,800 रुपये प्रति क्विंटल। कैकड़ी मंडी में ग्वार बिका 5,800 रुपये प्रति क्विंटल। वही कैकड़ी मंडी में सरसों बिकी 6,700 रुपये प्रति क्विंटल। गुड़ामालानी मंडी में ग्वार बिका 5,800 रुपये प्रति क्विंटल। वही गुड़ामालानी मंडी में सरसों बिकी 6,800 रुपये प्रति क्विंटल। सरदार सहर मंडी में ग्वार बिका 5,800 रुपये प्रति क्विंटल। वही सरदार सहर मंडी में सरसों बिकी 6,900 रुपये प्रति क्विंटल। अबोहर मंडी में ग्वार बिका 5,900 रुपये प्रति क्विंटल। वही अबोहर मंडी में सरसों बिकी 6,900 रुपये प्रति क्विंटल। उदयपुर की मंडी में ग्वार बिका 5,800 रुपये प्रति क्विंटल। वही उदयपुर की मंडी में सरसों बिकी 6,100 रुपये प्रति क्विंटल। अलवर की मंडी में ग्वार बिका 5,500 रुपये प्रति क्विंटल। वही अलवर की मंडी में सरसों बिकी 6,900 रुपये प्रति क्विंटल। नीमच की मंडी में ग्वार बिका 6,100 रुपये प्रति क्विंटल। वही नीमच की मंडी में सरसों बिकी 7,400 रुपये प्रति क्विंटल। चौटन की मंडी में ग्वार बिका 5,800 रुपये प्रति क्विंटल। वही चौटन की मंडी में सरसों बिकी 6,800 रुपये प्रति क्विंटल। बज्जू की मंडी में ग्वार बिका 5,570 रुपये प्रति क्विंटल। बज्जू की मंडी में सरसों बिकी 6,800 रुपये प्रति क्विंटल। किसान मित्रों आपकी सभी मंडियों के भाव एक एक करके वीडियो में बताए जाते हैं इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। सुजानगढ़ की मंडी में ग्वार बिका 5,700 रुपये प्रति क्विंटल। वही सुजानगढ़ की मंडी में सरसों बिकी 6,800 रुपये प्रति क्विंटल। भीनमाल की मंडी में ग्वार बिका 5,800 रुपये प्रति क्विंटल। वही भीनमाल की मंडी में सरसों बिकी 6,900 रुपये प्रति क्विंटल। जालौर की मंडी में ग्वार बिका 5,700 रुपये प्रति क्विंटल। जालौर की मंडी में सरसों बिकी 6,900 रुपये प्रति क्विंटल। डब्बा वाली मंडी में ग्वार बिका 5,900 रुपये प्रति क्विंटल। डब्बा वाली मंडी में सरसों बिकी 6,800 रुपये प्रति क्विंटल। फलोदी की मंडी में ग्वार बिका 5,900 रुपये प्रति क्विंटल। फलोदी की मंडी में सरसों बिकी 6,700 रुपये प्रति क्विंटल। चूरू की मंडी में ग्वार बिका 5,900 रुपये प्रति क्विंटल। वही चूरू की मंडी में सरसों बिकी 7,000 रुपये प्रति क्विंटल। जयपुर की मंडी में ग्वार बिका 6,100 रुपये प्रति क्विंटल। वही जयपुर की मंडी में सरसों बिकी 6,900 रुपये प्रति क्विंटल। इलाहाबाद की मंडी में ग्वार बिका 5,800 रुपये प्रति क्विंटल। वही इलाहाबाद की मंडी में सरसों बिकी 6,900 रुपये प्रति क्विंटल। रावला मंडी में ग्वार बिका 5,900 रुपये प्रति क्विंटल। वही रावला की मंडी में सरसों बिकी 6,700 रुपये प्रति क्विंटल। गुजरात की ऊर्जा मंडी में ग्वार बिका 6,100 रुपये प्रति क्विंटल। वही गुजरात की ऊर्जा मंडी में सरसों
सभी के 7,500 रुपये प्रति क्विंटल। नौखा की मंडी में ग्वार बिका 5,800 रुपये प्रति क्विंटल। वही नौखा की मंडी में सरसों बिके 6,800 रुपये प्रति क्विंटल। बीकानेर की मंडियों में ग्वार बिका 5,700 रुपये प्रति क्विंटल। वही बीकानेर की मंडियों में सरसों बिके 6,800 रुपये प्रति क्विंटल। बाड़मेर की मंडियों में ग्वार बिका 5,900 रुपये प्रति क्विंटल। वही बाड़मेर की मंडियों में सरसों बिके 6,900 रुपये प्रति क्विंटल। जोधपुर की मंडियों में ग्वार बिका 5,800 रुपये प्रति क्विंटल। वही जोधपुर की मंडियों में सरसों बिके 6,900 रुपये प्रति क्विंटल। सुमेरपुर की मंडियों में ग्वार बिका 5,800 रुपये प्रति क्विंटल। वही सुमेरपुर की मंडियों में सरसों बिके 6,900 रुपये प्रति क्विंटल। नागौर की मंडी में ग्वार बिका 5,700 रुपये प्रति क्विंटल। वही नागौर की मंडी में सरसों बिके 6,860 रुपये प्रति क्विंटल। सीकर की लोसल मंडी में ग्वार बिका 5,800 रुपये प्रति क्विंटल। वही लोसल मंडी में सरसों बिके 6,900 रुपये प्रति क्विंटल। तो किसान मित्रों, आशा करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। धन्यवाद।